भाई ये 10-20 किलोमीटर के दायरे में भी ये दो, ये देखो ये चढ़ गई है, देखो ये उसके उल्टे। हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, गुड मॉर्निंग। और फाइनली मैं जब अपने बाल वाल धो के रेडी हो गया हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं रानीखेत के लिए। ये भी रेडी हो रही है, इसी के काम से जा रहे हैं हम रानीखेत ना, तो मैं तो रेडी हो गया हूँ, अब इसका वेट कर रहा हूँ। तो चलो भाई तैयार व्यार होता है फिर निकलना है जल्दी। तो फाइनली भाई मैं रेडी हो गया हूँ और निकल रहे हैं हम लोग। हर्षिता तू तैयार नहीं हो रही? हो गई, वो तैयार भी हो गई। चल फटाफट जल्दी फटाफट तैयार हो जा, तो चलो मिलते हैं सीधा आगे रोड पर। तो भाई फाइनली हम लोग ना घर से निकल गए हैं। अभी देखो ये चौखुटिया का मार्केट हम लोग क्रॉस करने वाले हैं अभी। अरे बाप रे, मेरे बाइक बहुत उछल रही है यार पीछे से, इसके सोकर मेरे को लगता है फट गया है ना पूरा, लेकिन इट्स ओके, लंबा रूट तक तो ये कवर कर ही लेगी। हम लोग को अभी निकल गए हम लोग रानीखेत के लिए। अब रानीखेत हम लोग जा रहे हैं फाइनली। आज मैं और ये हर्षिता, हर्षिता का कुछ काम है आज NCC से रिलेटेड, इसको कुछ खरीदारी करनी है, तो होप कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं ना, धूप नहीं है यार आज। अभी मैं बोल रहा था ना कि 5 से 6 दिनों तक जो है बारिश का मौसम है, तो बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन धूप भी नहीं हो रही है। तो अब आगे का जो मौसम है वो ऐसे ही रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि धूप के मुझे कुछ आसार लग नहीं रहे अब। मैं सोच रहा हूँ ना यार आज अपनी बाइक ना धुलवा लेता हूँ, क्योंकि यार धुलवा के सही लगती है बाइक, अभी तो बहुत गंदी सी हो रखी है मैली टाइप की। तो बाइक धुलवाने का फ़ायदा ये है ना कि बाइक थोड़ी सी चमकने लग जाती है, और बाकी तो कुछ नहीं। और थोड़ी सी ये है कि केयर भी करनी चाहिए बाइक की, क्योंकि बाइक की केयर नहीं करेंगे ना तो यार ये हमारी केयर भी नहीं करेगी। आई होप कि यार आप लोगों को ना मज़ा आ रहा होगा डेली ब्लॉग में, क्योंकि डेली ब्लॉग में मुझे तो मज़ा आ रहा है डेली ब्लॉग करने में। घूमने को भी बहुत मिल रहा है यार इसी बहाने, क्योंकि कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे, एक ही जगह पे नहीं है हम लोग। मैं कभी अल्मोड़ा जा रहा हूँ, कभी रानीखेत, आज रानीखेत है तो क्या पता कल मुंशियारी भी जाने को मिल जाए। प्लानिंग तो बन रही है लेकिन देखते हैं क्या होता है। भाई ट्रक देख रहे हो कैसे गिरा यार भयंकर। परसों मेरा भाई इसकी फ़ोटो भेज रहा था, ये बस वो बता रहा था कि ये ना नींद की वजह से हुआ है ऐसा, तो बेचारा नींद में होगा और नींद की वजह से ऐसी दिक्कत हुई कि ये ट्रक नीचे चला गया। देखो यार ये लड़की को देख रहे हो, इसको ये बाइक में इनके ये हाल है, ये बाइक में वॉमिट कर रही है, तो बाकी ये क्या करेगी। वो देखो पीछे बैठे बैठे उसको उल्टी आ गई यार बहुत ज़्यादा। और भाई फिलहाल हमारी मंजिल वो है, वहाँ हम लोगों को पहुँचना है, वो है रानीखेत के पहाड़ों। माँ गोटूरुल्ला रानीखेत हम लोग पहुँचने वाले हैं। बस जस्ट यहाँ से क्या है कि 20 किलोमीटर रह गया रानीखेत। बाप रे ठंडा कितना हो रहा है यार कसम से बाइक पे, इसको तो वॉमिट हो गई बहुत ही तगड़ी वाली, अच्छी खासी वॉमिट हो गई है। गिर जाएगी तो गिर, गिर मत जाना कहीं लटकाने के चक्करों में नीचे पड़ी हुई है। हाँ गिर मत जाना, फिर बोलेगी मेरे को कि गिर गई। चलो भैया चल बैठ। भाई निकल गए अब यहाँ से, और यार बारिश की बूंदें पड़ रही हैं यार, बारिश ना आ जाए, बारिश आ जाएगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी वापस जाने में भी, क्योंकि यार भीगने के बहुत ज़्यादा चांसेस, और ये नज़दीक भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और मैं अपना रेनकोट भी घर छोड़ के आ गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि बारिश होगी, लेकिन यार नहीं होनी चाहिए बारिश बस। तो वहाँ तो ठीक ठाक धूप आ रखी थी, इतनी ज़्यादा भी धूप नहीं थी लेकिन ठीक ठाक धूप थी। यार बारिश की बूंदें तेज हो रही है भाई, बहुत तेज़ हो रही है, तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला, कैसे कैसे चलेगा मामला इस रात के तक। रानीखेत 18 किलोमीटर है यार यहाँ से, जल्दी जल्दी रानीखेत पहुँचते हैं फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। भाई ये 10-20 किलोमीटर के दायरे में भी ये 2 बार वॉमिटिंग करने के लिए उतर चुकी है, ये 2री बार है भाई। देख रहे हो इसका हाल, देख रहे हो ये बाइक में अगर इसके ये हाल है तो बाकी ये क्या करेगी आगे ना। और ये देखो भाई मस्त रानीखेत की रोड है, अभी रानीखेत स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ रानीखेत का ना अलग ही पता चल जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ की साफ सफाई, पूरी रोड देखो कितने क्लीन एंड क्लियर है। और बाबरे इसकी ज़्यादा ही हालत ख़राब है रे, इसको बोला था मैंने कि जैकेट ले ले, लेकिन नहीं मानी है इसने, बोला नहीं ठंड कहाँ हो रही है
क्या करेंगे, जैकेट ले आके? चलो 6 या 7 किलोमीटर होगा, चल बैठ। चलो भैया, हम लोग ना रानीखेत पहुंच गए, रानीखेत के मार्केट में स्टार्ट हो गया, रानीखेत का मार्केट यहाँ से। और अब हम लोगों को शॉप ढूंढनी है, कौन सी? बिस्ट सैनिक स्टोर। क्या मुश्किल है फाइंड आउट करना कहाँ है। अब मेरे हाथ में भाई जाम हो चुके पूरे, बाहर हो जाए। एक्सक्यूज मी, ये बिस्ट सैनिक स्टोर किधर होगा? दपोला सैनिक स्टोर है तो वहां से लेना है। नहीं, बिस्ट सैनिक स्टोर। भैया ये बिस्ट सैनिक स्टोर किधर होगा? ये सुभाष चौक पे चले जाओ। अच्छा, आगे चौक पे। तो भाई यहाँ पे फिलहाल पहुंच गए, हमें बताइए दुकान सामने वो रही बिस्ट सैनिक स्टोर हो। भाई हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताया उन भैया ने जो हमसे पहले बताया था, बिस्ट सैनिक स्टोर मिल गया है। भाई हम लोग अब निकल चुके हैं यहाँ से, रानीखेत से। अब भैया देखते हैं कैसी हमारी जर्नी रहने वाली है, जस्ट बिकॉज बारिश हो रही है। अब थोड़ी सी तेज़ हो गई है बारिश पहले से, छोटी छोटी बूंदें जो है वो ज़्यादा स्पीड में गिर रही हैं। और बाइक चलेगी तो अब तो यार और ज़्यादा तेज़ लगेगी बारिश। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी जगह पर तक तो पहुँच जाए जहाँ तक बारिश ना हो रही हो, क्योंकि अब बारिश तो पूरे दिन भर रहने वाली है। अभी आपको ना एक नई चीज़ बताता हूँ, हम लोग ना यहाँ के काफ़ी देर से बैठे हैं, भैया ने हमारी हेल्प करी और हम लोग को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो भैया ने हमें आग सेकने के लिए दिया, लेकिन हमें किसी ने नहीं पहचाना। ये भैया आए हैं भाई, इन्होंने पहचान लिया एकदम से, बोलते भैया आप ब्लॉगर हो गया। तो ये व्लॉग देखते हैं, किसके देखते हो व्लॉग? सौरभ जोशी के और पारस जोशी के। तो ये सौरभ जोशी के और पारस जोशी के फैन है, और होप्स हो कि आज से हमारे भी वीडियोस देखेंगे। देखोगे आप? हाँ। तो आपका नाम क्या है? प्रियांशु सिंह बिस्ट। अच्छा, बिस्ट जी हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे? ये कौन सा गाँव है? शिनोली। तो भाई ये शिनोली के रहने वाले हैं, ये हमारी वीडियो में भी आएंगे आप। एक और बार चाय आ गई। ये अच्छा कटक। yes. तो भाई ये देखो स्पेशल चाय आई हुई है हमारे लिए, मिक्स कॉफी मिक्स। मैं सोचता रहा नहीं था बनाऊं ब्लॉग, लेकिन ये पहचान लिया तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं ब्लॉग। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं अब घर के लिए चौखुटिया। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, इसकी तबीयत जो होता है ना ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ रुकना पड़ा। और उन्होंने हमारी बहुत मदद करी और हम लोग को ना आग सेकने के लिए दी, और दो बार भाई दो बार चाय भी पिला दी। अननोन पर्सन, हम जानते नहीं थे उन्हें, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना हमारे पहाड़ों में हेल्प करते हैं, सब हेल्प करते हैं। पहले पकड़ना फोन। तो भाई नाउ वी आर रेडी टू गो। अब जाके यार थोड़ा सा ना ठंडा कम हो रहा है, तब से बहुत बारिश हो रही थी ना यार, इस वजह से तो ठंड लग रही थी। अभी फिलहाल ठंडा कम हुआ है, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने ना हाथ सेके हैं और गर्मी अच्छे से ली है, नहीं तो यार इसकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, फिर रोने लग गई थी पीछे बैठ के। लेकिन फिलहाल ना हो भी यार फीलिंग बेटर, तो हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। मौसम अभी हो रखा मस्त एकदम, काले बादल छा रखे हैं। आई होप कि दोबारा से बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश दोबारा से हुई तो फिर वही वाली हालत हमारी दोबारा होने वाली है। तो उससे बचने के लिए अब हम सोचने की जल्दी पहुंच जाए। तो यार बड़ा सही लगा, मतलब भाई मेरे को तो यार हमें कौन पहचान था, लेकिन पहचान लिया। अब एक भाई, छोटा भाई हमारे 8th क्लास में थे, वो 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो वो मिले मुझे और बड़ा अच्छा लगा मिलके। और किसी ने मतलब पहचाना तो यार बहुत अच्छा लगा। अब मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था वहाँ पर, लेकिन फिर यार जब उन्होंने पहचान लिया तो मैंने कहा चलो भाई ब्लॉग बना लेते हैं। अच्छा लगता है जब ऐसे मिलते हैं ना। थैंक यू प्रियांशु, होप सो कि जल्दी मिलेंगे दोबारा।
कभी आना होगा इधर तो मैं जरूर डेफिनेटली आपसे मिलते हुए जरूर जाऊंगा दोबारा से। और अभी फिलहाल आप ये व्लॉग्स हमारे एंजॉय करो और यार अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना व्लॉग्स को। ओके ब्रो। एंड भैया जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें 2 गिलास चाय पिलाई। सीरियसली जान में जान आ गई, अगर चाय ना मिलती तो शायद हो तो ये भी जो पीछे बैठी हुई है तो उसकी तो कुड़कुड़ो बन जाना था, आइस बन जाना था आइस। भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चांदी खेत चौकुटिया, बस थोड़ा सा ही रह गया है यहाँ पे से। और मैं तो यार कब से सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊँ बस किसी तरह, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और ग्लव्स वगैरह नहीं आए यहाँ पे, इस वजह से जल्दी लगी गई कि जल्दी पहुँच जाए बस। और फाइनली जो है बाजार वगैरह आने वाला है यहाँ पे, जल्दी रुक जाओ आने पर थोड़ा सा मुझे आने दो, अपने को जल्दी हो रही है अपने को। पहुँच गए मार्केट एरिया में, वहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज मार्केट एरिया है, इस वजह से अपने स्टॉप पे। भाई अभी बहुत देर रेस्ट करने के बाद ये मेरी जान खा रहे हैं कि घूमने चलते हैं ऊपर। यहाँ पे ना हमारे चौकुटिया में एक जगह है, क्या नाम है सर? डाक बंगला जो भी है व्हाटएवर, तो वो ना वहाँ से ना बहुत ही अच्छा व्यू आता है, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाएँ घूम के आएँ देख के आएँ कि कैसा व्यू है हमारे चौकुटिया का। लेकिन फिर से जाते जाते बारिश होने लग गई यार, बारिश हो रही है देखो हल्की हल्की, आपको नहीं दिखाई देगा शायद से कैमरे में, लेकिन हल्की 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 बारिश हो रही है देखो, ऐसा ही है ना देखो, बंद हो गई क्या, हल्की हल्की हो रही है यार अभी भी। तो हम सोच रहे हैं धीरे धीरे हल्की हल्की चलते रहते हैं, अगर बारिश होगी तो रुक जाएंगे। कहाँ है पूजा? पूजा नहीं आमी, चल ठीक से फिर हम जा रहे हैं। मेरे गलियारे थोड़े छोटे छोटे हैं, ऊपर से भी जा सकते हैं। पार्थू तू कहाँ से आ पे आ, आगे ना हिट, आगे ना हिट, ए आगे देख तू ये चली है। मैं यार बारिश हो रही है दबा के यार अभी भी, अब पूजा का वेट नहीं करेंगे हम, अपन सीधे निकल जाएंगे, वो आ जाएगी अपने आप। जल्दी चलो दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ के लिए है ये खाता, ये आप मैं, हाँ हम दोनों ही लेंगे इसको, हाँ। इसमें और बाकी को नहीं घुसाएंगे, हाँ। कोई नहीं जरूरत नहीं है, हट 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 हट, 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 हट। तो भाई अभी ये पैदल जाना है यहाँ से ऊपर के लिए, हाइट पे है तभी तो वहाँ से व्यू अच्छे आते हैं। पूजा नहीं है यार, लाइने लगा दी, पूजा नहीं आली भी अब नहीं आती पूजा। तो भाई पहुँच गए यहाँ पे, सब कुछ चेंज हो गया यार पहले से बहुत, और यहाँ तो ड्रोन लाना चाहिए था। देखो भाई तो खूबसूरत सा व्यू है, इधर से भी दिखता है व्यू, इधर से पूरा पार्क का बाजार दिखता है ये वाला। यह है भाई डाम कोठी, ये चौकुटिया का जो है ना वीआईपी विश्राम गृह है ना, क्या लग रहा है यार यहाँ से, देख रहे हो व्यू देख रहे हो, अभी सारा ना क्लाउडी क्लाउडी सा हो रखा है जस्ट बिकॉज, और बारिश भी हो रही है ना। तू कहाँ चढ़ रही है? यहाँ मत चढ़, गिर जाएगी ना, ना मत चढ़ जब बोल रहा, समझ भी नहीं आ रही तेरे को बात, नहीं चढ़ो मैंने कब बोल दिया जब तेरे को, पार थी इसको चढ़ना चाहिए ऊपर, नहीं हाँ नहीं बस नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए बस। ये आ गई है, मोटी भी पहुंच गई, हमें लग रहा था ये आएगी नहीं, देख मोटी पड़ गई, ये देखो ये चढ़ गई, ये देखो ये उसके उल्टे काम, ये होता है ना इसके उल्टे काम, ये देखो ये अब ये भी चढ़ने के लिए तैयार हो रखी है, बस बैठे रहे जो चाह से ही, तेरे बस का नहीं है ऊपर जाना, तू ज्यादा माती मत रहे, तेरे बस का नहीं है ऊपर जाना, हाँ तो बैठे रहे जो चाह से ही, फिर तेरे को धक्का दे देंगे वहां से ऊपर से, देख ले फिर टूट गया, वो टूट गया मोटी के वजन से टूट गया ये क्या,
ये यहाँ से कूदने के लिए बोल रही है, देखो आराम से लटक के कूद, ऐसे मत कूद पैर टूट जाएंगे, नहीं तो नहीं। मैं जब बोल रहा हूँ तेरे को नहीं कूद ऐसे, मानती नहीं है बात को, लटक के कूद, पैरों पे लगेगी जम करके है? तो चल फिर जैसे कूदना है कूद फिर भाई, देखो आज देखते हैं कि कूद पाती है नहीं कूद पाती है, ये कूद गई यार ये तो फाइनली हम लोगों ने ना बहुत सारी फोटो वीडियोस रील वगैरह इन लोगों ने तो मेरा दिमाग चाट लिया यार आज साला, कितना दिमाग चाटा इन्होंने, कितना इतनी रील बना रहे क्या पता, इसको देखिए तो भाई अब हम जा रहे हैं नीचे, अब घर को चल रहे हैं क्योंकि अंधेरा भी हो गया, वो देखो सब जगह लाइट वाइट जल गई है, देखो अब निकलते हैं घर को, घर पे मिलेंगे, चलो आराम से चलना रहे, फिसलना नहीं यहाँ से, परथू तो फिसलना नहीं रहे परथू, ओ बबू दाजू जा रहे हैं पूजा, बाय बाय, रुक जा कोई तो रुक, भाई रुका नहीं गया मेरे से तो रुक गया फिलहाल, मैं तो रुक गई थी आ गया फिर मैं पीछे, परसों कैसा लग गया परसों, कोपट लाल है गाइस, गुड मॉर्निंग, तो अभी जो टाइम हो रहा है 7:22 AM और वीडियो जो है मैंने एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है और अब लगाता हूँ वीडियो रेंडरिंग पे और शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मैं आजकल इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में 8 AM क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है और मुझे जो है वीडियो अपलोड करने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है अपने भाई की दुकान पे, तो इसी वजह से आज का वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में तो तबाही मचा देना, और अगर अभी तक नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो चलो मिलते हैं आपको एक और नए फ्रेश व्लॉग के साथ, दिस इज सूर्य सिंह रावत साइनिंग ऑफ, बाय।